नमस्कार, आप देख रहे हैं नूपुर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। हजारों रुपए सैलरी लेने वाले खाद्य सुरक्षा योजना का ले रहे हैं लाभ। उप जिला कलेक्टर ने 93 कर्मचारियों को किया चिन्हित। खाद्य सुरक्षा लाभ लेने वाले कर्मचारियों में मचा हड़कंप। हमारे संवाददाता रमेश बागड़ी की खास रिपोर्ट के अनुसार श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में सरकारी कर्मचारी गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। हजारों रुपए सैलरी लेने के बाद भी कर्मचारी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं। उप जिला कलेक्टर ने 93 कर्मचारियों को चिन्हित किया है। उप जिला कलेक्टर ने पवन कुमार ने बताया कि जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने वाले कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इनमें कर्मचारी किसी एक का नहीं है, बल्कि सभी विभागों के लगभग सहायक कर्मचारी व कनिष्ठ लिपिक 70 के ज्यादा है। उप जिला कलेक्टर ने बताया कि पूरी लिस्ट गहनता से जांच की जाएगी और जो भी कर्मचारी खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं वह यदि दोषी पाया जाता है तो उसे पूरे गेहूं की वसूली की जाएगी। राज्य सरकार के नियमानुसार यह कार्य पूर्ण रूप से गलत है। खाद्य सुरक्षा की योजना केंद्र सरकार के द्वारा उन अंतिम व्यक्तियों के लिए बनाई गई है ताकि आर्थिक विकट परिस्थितियों में यह योजना उनका संबल बन सके। समय समय पर सरकार के द्वारा इस प्रकार का नोटिफिकेशन भी जारी होता रहता है कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वह इस योजना का लाभ नहीं ले सके। फिर भी प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर ऐसे लोग खाद्य सुरक्षा के पात्र बन जाते हैं। खाद्य विभाग को इस पूरे मामले की जांच निष्पक्ष रूप से गहनता से करनी चाहिए और दोषियों के ऊपर सख्त रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। राशन डीलरों को भी अपने क्षेत्र में आने वाले खाद्य सुरक्षा से संबंधित पात्र व्यक्तियों पर नज़र रखनी चाहिए ताकि इस योजना का लाभ अपात्र व्यक्ति ना उठा सके और जरूरतमंदों को ही इस योजना का लाभ मिल सके। क्रॉस वेरिफिकेशन कराने के लिए संबंधित विकास अधिकारी और अधिशासी अधिकारी से रिपोर्ट मांगी और जांच में सत्यता पाए जाने की स्थिति में उन सभी व्यक्तियों का नाम खाद्य सुरक्षा से पृथक कर दिया जाएगा और जो राजस्व राज्य सरकार द्वारा जो भी इसके लिए दर निर्धारित की गई है उसके अकॉर्डिंग उन सभी से वसूली की जाएगी।